हाँ सर, प्रूफ भी किया था। अब हम वेरिएबल फोर्स किससे, वेरिएबल फोर्स से वर्क कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। चलो भैया आयो, मान लेते हैं क्या, चलो भाई 3D में चलते हैं आप, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, मान लेते हैं पार्टिकल यहां पे है, तो ये क्या है उसका पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर, ठीक है। इस पे एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, एक फोर्स, इस पे एक फोर्स लग रहा है एफ वेक्टर। ओके अब सुनो, ये आर वेक्टर है और ये एफ वेक्टर फोर्स लग रहा है। अब मान लेते हैं हम कि एफ वेक्टर जो है, देख रहे हो एफ वेक्टर कहां लग रहा है, देखो पता नहीं कहां लग रहा है, तो लेट लेट आ वेरिएबल फोर्स Let a variable force F vector is being applied on a particle on a particle in, देखना ध्यान से, in very small displacement. बोलो भाई क्या displacement लिखोगे? Yes. अरे यार पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है तो चेंज वो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, बहुत छोटा सा dr, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर, ठीक है, इन वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर, स्मॉल वर्क डन बाय कौन सा फोर्स, एफ। देखो क्या लिखा है, इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर वैक्टर, स्मॉल वर्क डन बाय फोर्स एफ वैक्टर, बी कितना डी डब्ल्यू, स्मॉल वर्क कितना होगा, डी डब्ल्यू होगा कि नहीं होगा, बोलो भैया। हाँ सर, सब लोग समझे कि नहीं, पहले ये बताओ ईमानदारी से। हाँ ठीक है, यस सर। चलो तो फिर मुझे बताओ डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखोगे आप, मुझे लगता है मुझे लिखना चाहिए डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर, यही होता है फोर्स वर्क तो, है ना, वर्क डन का फॉर्मूला यही होता है ना, तो एफ डॉट डी आर सिंपल प्रोडक्ट है। ओके बेटा, एफ डॉट डी आर, यस सर। हाँ डी आर ले रहे हो ना डिस्प्लेसमेंट, हाँ तो यहाँ पे एस डी आर है। हाँ समझ गए सब लोग, सर। अब एक बात बताओ तुम, आर वेक्टर को आप क्या लिखते हो, याद करो वेक्टर सबसे पहले पढ़ाया था, आर इनटू एक्स कैपिटल जेड के, यही तो लिखते थे, यस सर। इसको डिफरेंशिएट, अगर मैं आर की जगह डी आर ले लूं, आर वेक्टर क्या होगा, सही है ना? हाँ सर, तो ये हो गया डी आर वेक्टर। अच्छा अब एफ वेक्टर, कैन यू टेल मी व्हाट इज एफ वेक्टर सर? ऑब्वियसली एफ में तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एफ आई जे के एफ,
एम जेड के क्या फोर्स में भी तो तीन कंपोनेंट्स हो सकते हैं ना। हाँ यस सर रख दो इसमें। देन वी गेट बोलो एफ डॉट डी आर मिल जाएगा। एफ डॉट डी एफ डॉट डी मिलेगा। एफ डॉट डी आर यही है ना। हाँ सर। अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए हो तो क्या करोगे? इंटीग्रेट कर देंगे टोटल वर्क। तो ये इंटीग्रेशन करोगे W बराबर इंटीग्रेशन एफ डॉट एम डॉट डी आर। यहाँ लिमिट बताओ आर वन से आर टू। सही बात है। इनिशियल पोजीशन मान लो आर वन है और फाइनल पोजीशन आर टू है तो टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम आर वन वेक्टर टू आर टू वेक्टर आर टू वेक्टर तो यही होगा ना वर्क डन टोटल। ये हो गया। अब देखो अब इसी में एफ वेक्टर की जगह ये डाल दो और डी आर वेक्टर की जगह पे ये डाल दो। और आर वन आर टू है क्या? यही लिखोगे ना आर वन को? आर टू को क्या लिखोगे? बेटा पहले क्लियर करो समझ में आ रहा है? yes, sir. रख दो इसको। ये एफ भी डाल दो ये है और डी आर भी डाल दो ये है। क्या आ जाएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट? तो ये टोटल वर्क डब्ल्यू बराबर देखना बेटा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिमिट आर वन से आर टू डालो जरा। तो ये देख एफ एक्स डी एक्स आएगा प्लस एफ प्लस अच्छा इनके पहले समझो एक मिनट। आई कैप का आई कैप से डॉट किया सही है ना? हाँ सर। इसमें अरे देखो ना ये डॉट करना है तो इसका डॉट इसमें है तो एफ एक्स डी एक्स आई कैप तो वन होता है वन हो जाएगा। फिर एफ वाई डी वाई प्लस एफ वाई डी वाई सही है। मुझे पता मुझे ऐसा लगता है कि अब ये आर वन नहीं लिखना चाहिए मुझे। अब मुझे ऐसे लिखना चाहिए इसको। अब थोड़ा और देखो इसको करो अलग अलग इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इसकी लिमिट आएगी एक्स वन से एक्स टू। सोचो ना यार एक्स में जा रहे हो तो वाई की लिमिट थोड़ी डालोगे इसमें। वाई वन से वाई टू एफ जेड डी जेड जेड एफ जेड डी जेड 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 वन से जेड नोट करो पूरा। अरे वर्क एनर्जी थ्योरम वेरिएबल फोर्स में भी अप्लाई हो सकता है। वर्क एनर्जी थ्योरम इज ऑलवेज वैलिड चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो चाहे कोई भी फोर्स कुछ भी हो। सर लेकिन हमने प्रूव करते वक्त तो एफ कांस्टेंट लिया था ना। अरे यार अभी हम वेरिएबल लेंगे रुक तो जाओ। अभी हम वेरिएबल फोर्स के लिए भी प्रूव करेंगे। ओके सर लिख लो इसको। सर हो गया ये लिख के? नहीं सर अभी स्टार्ट। हाँ सर स्टार्ट किया।
पापा कह रहे पर समय बाद तो भी बोले बॉडी मोटी आएगी पर है ना कमावे वाली बहुत आएगी टाइम जो ही लिखी हुआ जाके सर नेक्स्ट स्लाइड अच्छा एक बात समझो पहले ये आर वेक्टर लिखा है ना हाँ। ऐसे भी समझ सकते हो कि इसी को डिफरेंशिएट कर दिया तो ये बन गया देखो नहीं तो वैसे अलग से भी समझो कि अगर ये dr है देखो ये dr वेक्टर है तो इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे dx dy और dz समझ गए ना सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज एक मिनट रुको हाँ सर हो गया नहीं सर एक मिनट सर नेक्स्ट स्लाइड
लिख गया नेक्स्ट स्लाइड कहाँ से ले आया है ही नहीं है आज है ही ओके हो गया है सर सर एक सेकंड पिछली वाली स्लाइड दिखाओ ना बस चेक करना था कुछ छूटा नहीं लिख गया हाँ सर हो गया चलो अभी देखो ध्यान से अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी है अभी एक नोट लिखना है आपको नोट में क्या है सुनना ध्यान से देखो बेटा नोट में क्या है वर्क डन हमने सीखा अभी क्या होता है इंटीग्रेशन यही सीखा ना यस सर ठीक है अब अगर मैं मान लेता हूं कि लेट एक फोर्स है जो एक्स एक्सिस में है ठीक है और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स में ही है मान लो ठीक बताओ मान ले हाँ सर तो इफ फोर्स इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट इज also along x axis bolo clear then bolo w barabar fx dot fx dx fx into dx or into cos ye dono hi x axis mein hai na to fx ha to zero to integration fx to dx अच्छा तुम्हें लगता है ये कोई बता सकता है मुझे ये एफ इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ये क्या होता है एरिया अंडर होता है कि नहीं एरिया अंडर करो एरिया अंडर करो हाँ मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ बनाओगे आप उस ग्राफ का जो एरिया आएगा वो वर्क के बराबर होगा समझ गए हाँ सर जैसे ये हमने बहुत जगह सीखा है वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट एटी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी हाँ सर तो ऐसे ही एफएक्स ग्राफ का एरिया क्या आएगा वर्क आएगा ये नोट करो गया बेटा हाँ सर हाँ सर चलो भाई देखो तो ये हो गया एक दूसरी बात है ना अब हम हेडिंग डालो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स हेडिंग डालो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स चलो अब इसके लिए प्रूफ कर देते हैं ठीक है तो हम जानते क्या है
हम जानते हैं, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी के बराबर ठीक है, ये हम जानते हैं। तो इसमें डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो करो, तो ये हो जाएगा बराबर हाफ एम, एम हाफ एम तो कांस्टेंट है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, बस खत्म, इनटू डीवी बाय डीटी। बोलो कोई दिक्कत ये डी के बाय डी टी बराबर, देखो हाफ से ये हाफ गया, एम वी इंटू क्या डीवी बाय डी टी, और डीवी बाय डी टी क्या है, वो है एक्सेलरेशन है सर, तो एम इंटू ए फोर्स है। तो हेयर उतना ध्यान से, हेयर एम इंटू डीवी बाय डी टी इंटू वी बराबर एम इंटू ए, हाँ तो फोर्स है, वो फर्स नहीं है फोर्स है, फोर्स ही बोला, फोर्स फर्स बोल रहे तुम, ओके सॉरी। चलो डी के वाई डी टी बराबर बेटा बोलो क्या आ जाएगा, तो एफ इंटू वी वी वी, बहुत बढ़िया। अब देखो आप दिमाग लगाना है थोड़ा सा, डी के वाई डी टी बराबर एफ को तो एफ ही लिखो और V को लिख दो dt, समझ गए, dt गया, हां कर दे, फिर dk बराबर क्या आ गया, f dot dx, f into dx आ गया, इसको इंटीग्रेट कर दो, डेल्टा k बराबर 1, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखना मैं मान रहा हूं कि यहां पे फोर्स वेरिएबल है, तो यहां पे क्या आएगा, k1 से k2 dk, और यहां इंटीग्रेशन एफ इंटू एक्स और लिमिट एक्स वन से एक्स टू। अब बताओ ये पूरा क्या है, फोर्स जो है वो वेरिएबल है, तो मैं इसको बाहर नहीं कर रहा हूं है ना, तो बस मैं इसको क्या लिख दूंगा, के टू माइनस के वन बराबर इंटीग्रेशन एफ डी एक्स लिमिट एक्स वन से एक्स टू। तो ये क्या आ गया बताओ, ये क्या है, वर्क डन बाय वेरिएबल, समझ में आ रहा है कि नहीं है, फाइनल माइनस के इनिशियल बराबर बोलो वर्क डन इज इक्वल टू वेरिएबल फोर्स, कोई अलग आ गई क्या, वो वर्क एनर्जी थ्योरम बदल गई क्या, नहीं वही है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, समझ गए, हाँ सर नोट करो, इसके पिछली वाली स्लाइड लिखना है क्या तुम लोगों को, ये नहीं सर लिख ली, ये भी लिख ली सर, ठीक
सर अभी वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स भी यही है के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन में क्या मिल जाएगा इक्वेट करने से? बताओ क्या मिलेगा? नहीं पता सर, वो मेरे को बस सेम दिखा इसके लिए से पूछा। तो मतलब जो सेम दिखा है इक्वेट करा दो। थ्योरम सेम है बस, वो चेंज नहीं हो रहा है। थ्योरम है यार वो तो। चलो बेटा जल्दी लिख लो थोड़ा सा। हो गया सर। हो गया सर। अब मॉड वो एक और बस लास्ट में थ्योरी देखो, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। लिखो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। के वाला ना तो हम जानते हैं के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक काम करो, m से मल्टीप्लाई कर दो और m से डिवाइड कर दो, तो 2m नीचे हो गया, ऊपर देखो सही है। तो हियर m इंटू बी बराबर क्या होता है? ये होता है कि नहीं मोमेंटम, रख दो। हाँ। बराबर क्या हो गया? p square upon 2m हो गया। अगर इसका कोई तुमसे कहे ग्राफ बनाओ तो ग्राफ बना देना, यहाँ के और यहाँ पे ले लो p। बताओ माओ तो अपने ये y बराबर x square. y बराबर ax square का फॉर्म है कि नहीं है? हाँ। तो ये ओरिजिन से जाएगा, ओरिजिन से x होगा इसका, ऐसा जाएगा ठीक है। हाँ। बनाओ नेगेटिव साइड पे भी होगा ना? हो गया। एक मिनट सर। जल्दी कर बेटा। यस सर डन। लिख गया पूरा? नहीं सर, आपके साथ ही लिखा। अब निकाल लो क्वेश्चन नंबर 11 करके देखो। एग्जांपल नंबर 11। मिल रहा सर। क्वेश्चन नंबर 11 ढूंढो, एग्जांपल नंबर 11। मिला सर वो? हाँ मिला। एग्जांपल 11 करो, सब लोग इसका आंसर बताओ फटाफट क्या आएगा। कितना? 21। गलत है।
सर 12 प्लस 23 बाय 2 19 बाय 3 m3 आंसर है 55 अपॉन 3 ये आंसर हाँ सर ये है एक मिनट सर बता इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पाए क्या किया था मैंने इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड यही तो करना था यहाँ एक्स वन से एक्स टू की यहाँ पे वाई वन से वाई टू की और यहाँ वाई थ्री से जेड वन से जेड टू यहाँ वाई वन से वाई टू क्या प्रॉब्लम है भैया बोलो फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना है 3x तो यहाँ 3x इनटू dx प्लस वाई का कंपोनेंट कितना है स्क्वायर इनटू dy ये तो है ही नहीं जीरो तो w इस x की लिमिट बोलो 1 से 3 सर एम है वहां पे 1m से 3m 1 से 3 1 मीटर है ना अच्छा मीटर और यहाँ 2 मीटर से 3 मीटर और जेड वाले में तो फोर्स ही नहीं है तो वर्क कहाँ से होगा है कि नहीं हाँ जीरो तो डब्लू बराबर 3 बाहर इसका एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 3/2 बाहर और एक्स स्क्वायर में 9 - 1 प्लस इसका वाई क्यूब अपॉन 3 तो 1/3 बाहर वाई क्यूब तो 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब 8 सही है हाँ सर सॉल्व कर दो इसको आंसर अभी सर मैंने वो m को वेरिएबल ले लिया था चलो इतनी बात सब लोग समझ गए हाँ सर हाँ सर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 60 आ गया बिल्कुल सही क्या कैसे 60 आ जाएगा क्या करना है एरिया सीधा निकाल दो रुको ना क्वेश्चन लिख रहा हूँ सर रुको समझ में आई कि ना एरिया निकालना है अगला करो 13 रुको ना अच्छा साथ है सर सही है अब एक बात सुनो पहले एरिया जब आप निकालते हो तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है पता है ना हाँ सर अगर ये एरिया ये पॉजिटिव होगा तो ये वर्क भी पॉजिटिव आएगा और अगर यहाँ पे एरिया आ जाए तो ये नेगेटिव वर्क होगा तो टोटल वर्क इसको और इसको ऐड करोगे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा है हाँ सर चलो 13 हो गया 13 14 करो अब ऐसे करते चलो आगे सर रुको ना कुछ आंसर आ जाते क्वेश्चन लिखने में टाइम लग रहा है अरे यार तो अब हम इतना थोड़ी रुकेंगे थोड़ा थोड़ा रुक जाएंगे 2-2 मिनट ठीक है हाँ सर तो बाद में लिखते क्वेश्चन अभी आंसर दे दे हाँ अभी आंसर दे दे तुम एक्चुअली में फिर अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है लिखना हो खूब लिखो नहीं नहीं बाद में लिख लेंगे सर कोई प्रॉब्लम चलो अगला 14 14th क्वेश्चन बहुत अच्छे से करो सीरियसली पूरा लिख के करो और मैं तो चाहता हूं कि अभी लिख लो क्वेश्चन भी आप 14 अच्छा क्वेश्चन है सर क्वेश्चन 13 का आंसर क्या था फिफ्टीन
आंसर है फर्स्ट का 50 और सेकंड का 100, 13 का, ठीक है? यस सर। 13 में फर्स्ट का है 50 जूल, सेकंड का है 100 जूल। सीसीबी आ रहे, एक ही मिनट। सही है, सही है, सीसीबी आएगा। सर 3 3 2 14 का सही है, हो गया है, मैं करके बताऊं? बोलो, हो गया, सिंपल है सर। 3 3 2 सर, एक मिनट रुकिए ना। बेटा जल्दी करो यार। हाँ सर, हो गया। लो 15। हमें लग रहा है शोर बहुत हो रहा है, पहचान नहीं पा रहा है। 3 F0 X0 upon 2 R हाँ भाई, इसको मैं करके दिखाऊं। 15। हाँ दिखाए ना, गलत आ रहा है सर। 14 का आंसर एक बार रिपीट करो ना। 3 3 2 ओके सर। चलो देखो क्या कह रहा है 15 में, फोर्स जो है F बराबर क्या है, F नॉट X अपॉन X नॉट माइनस 1। यहाँ F नॉट और X नॉट ये तो कांस्टेंट है ना, अरे वेरिएबल इसमें F क्या है, F इज अ फंक्शन ऑफ X, X बाकी सब कांस्टेंट है, क्लियर? तो क्या कह रहा है वो, X बराबर कहाँ से, 0 से X बराबर कितना है, 3 X0। यहां तक का वर्क बताओ, पहले बताओ वेरिएबल फोर्स है कि कांस्टेंट फोर्स है? वेरिएबल, वेरिएबल सर। का प्रॉब्लम है इसे, W बराबर इंटीग्रेशन, ये फोर्स F इंटू dx और लिमिट क्या है, 0 से 3 X0। चलो इसको रखो F की वैल्यू, ये है F, ये F0 तो बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, तो इंटीग्रेशन में क्या x अपॉन x नॉट dx अलग माइनस इंटीग्रेशन में 1 dx अलग, ये समझे कि नहीं? हाँ। और यहाँ क्या करोगे, 0 से 3 X0, इसका x नॉट ये बाहर कर देना और यहाँ पे 0 से 3 X0, दैट्स इट। सॉल्व करो अब इसको, चलो आंसर बताओ जल्दी से क्या आएगा। F not into 3 X0 by 2, ये आंसर होना चाहिए 3 by 2 F not into X not, देखो ये यही है। पहले ये बताओ समझ में आया? हाँ। वो एरिया निकाल के करना है, कह रहा है एरिया निकाल के बताओ, तो आंसर उससे इजी गया था।
आंसर तो यही आएगा, तो पहले इस एफ एक्स का एक ग्राफ बनाओ, बनाओ एफ एक्स का ग्राफ, तो क्या प्रॉब्लम है, बना दो। यहाँ पे ये एफ और यहाँ पे ये एक्स, तो ग्राफ अब कितना सिंपल है यार, ग्राफ नहीं बना पा रहे, स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ होगा तुम्हारा माइनस का एफ नॉट, यहाँ देखो इंटरसेक्ट करेगा ये, बस खत्म। बोलो। यस सर। अब क्या कह रहा है वो, जीरो से थ्री एक्स नॉट, तो थ्री एक्स नॉट यहाँ कहीं मान लो। अब थ्री एक्स नॉट पे ये वाली वैल्यू भी पता होनी चाहिए हमें, टू एफ नॉट, टू एफ नॉट आएगा कैसे, इक्वेशन से। अब ये वाला एरिया निकालो नेगेटिव आएगा, और ये वाला एरिया निकालो पॉजिटिव आएगा, तो जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो वो माइनस में आएगा, लिखोगे इसको तो वही आएगा ना। अब ये माइनस मत देखना, ये समझो, ये माइनस मत देखना, क्योंकि हम अलग से माइनस लगाएंगे, समझ गए ना। अरे बोलो ना। हाँ सर। W1 और ये W2, तो W1 निकालो, कितना आएगा W1, 1 by 2 F0 into X, ये ट्राइंगल का एरिया, तो 1 by 2 बेस into हाइट, और ये नेगेटिव होगा। अब W2 बोलो, तो ये वाला, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है, तो 1 by 2, ये कितना है 2X0 और ये 2F0, बोलो समझे कि नहीं। कितना आएगा 2F0 X0, पॉजिटिव आया ये। अब टोटल वर्क डन, 3 by 2 F0 X0, W1 plus W2, तो W1 ये माइनस का इतना और W2 ये है, तो कितना आ गया 3 by 2 आंसर। बोलो क्लियर सर। एक मिनट, पिछले स्लाइड दिखा ना। पंद्रह के बाद सोलह करो। सोलह का तो आपने सॉल्यूशन ही भेज दिया। सॉल्यूशन नहीं भेजा, थोड़ा सा भेज दिया, करो सॉल्व करो लेकिन, ठीक है। हाँ सर। सर 14 का थर्ड एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। वर्क निकाल लो पहले। 80 जूल आता है टोटल वर्क। एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर आठ तक का वर्क कितना आता है, एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर आठ तक का निकालो वर्क। वो 60 आता है। 60 आता है, तो आप क्या करो, ये वर्क आ गया, वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, तो बी फाइनल कहां पे आएगा, ये 8 मीटर, और एक्स बराबर जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है देखो, 4। इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, अरे एक्स बराबर जीरो पे स्पीड कितनी है, हाँ 4 है, 4 है, बस खत्म क्वेश्चन, समझ में आया। हाँ सर। चलो देखो आंसर आ गया कि नहीं तुम्हारा। सर अगली स्लाइड दिखाइए। हाँ सर आ गया। चलो सर, फ्रिक्शन का माइनस 750 आ रहा है और मैन का 1312.5। सब लोग क्वेश्चन नंबर 16 सही से सॉल्व करो। हाँ बोलो कितना आ रहा है,
फ्रिक्शन का माइनस 750 और मैन का 1312.5। सही है सही है, अच्छे से करो इस क्वेश्चन को। सर पिछली स्लाइड दिखाओ ना। सर फ्रिक्शन का 375 और मैन का 1312.5। मैं करके बताऊं। हो गया सर, सर। नहीं बेटा, जिसको नहीं आया हो क्या वो चाहते हैं कि मैं करूं? सर 16। हाँ सर करो ना। चलो देखो 16 देखो देखो क्या क्या कह रहा है वो, यहाँ पे डिस्टेंस है ठीक, यहाँ पे फोर्स है, क्या है फोर्स, तो फोर्स जो उसने लगाया देखो कितना लगाया, 150 न्यूटन लगाया, लगाया कि नहीं? फोर्स है ये न्यूटन में, तो 150 न्यूटन लगाया, देखो कंटिन्यू 150 ही लगाता है वो, कितनी डिस्टेंस तक? 10 मीटर। 5 मीटर नहीं, पहले 5 मीटर। समझ में आई बात सबको? हाँ सर। पता है फिर क्या हुआ, 5 मीटर से अगले जो 5 मीटर है मतलब 10 मीटर, यहाँ पे लीनियरली डिक्रीज होता है उसका फोर्स, देखो डिक्रीज होता है कि नहीं? हाँ सर। और यहाँ पे कितना हो जाता है 10 मीटर पे फोर्स, देखो ये डिक्रीज होते 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 देखो ये बचा कितना, 75 न्यूटन। समझ में आ रही बात के नहीं? हाँ सर।
अच्छा फ्रिक्शन देखो कहाँ है, फ्रिक्शन कितना है? -75। फ्रिक्शन उसने बोला है देखो ना, 75 न्यूटन है फ्रिक्शन। अब 75 है तो का ये अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट लगेगा ना। अरे अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव में लग रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नेगेटिव में। ये देखो ओरिजिन से नीचे नेगेटिव में। बात समझ में आई? बोलो ना। हाँ सर। तो ये जो डॉट 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 से मैं बना रहा हूँ ये पूरा फ्रिक्शन वाला ग्राफ है, ठीक है? बोलो। हाँ। यहां तक फ्रिक्शन 75 न्यूटन लगा। तो क्या कह रहा है, वर्क बताओ इस वाले फोर्स का, क्या प्रॉब्लम है इसमें यार? इस वाले फोर्स मतलब ये जो अप्लाइड फोर्स है, तो क्या करोगे इसको? मान लो क्या मान लो इसको, अरे कुछ ये वाला पूरा एरिया निकाल दो बस, खत्म बात। क्यों भाई? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई, समझे सर? तो ये पूरा एरिया निकालो ना, आंसर आ जाएगा। अप्लाई आ जाएगा और फिर नीचे फ्रिक्शन का एरिया निकाल दो, मतलब ये वाला एरिया निकालो। देखो ये पूरा, ये तो ये नेगेटिव होगा। हाँ। ये एरिया फ्रिक्शन का वर्क आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। आया ना? आई। बस तो करो सॉल्व, आपका दिक्कत है। मतलब ऊपर का एरिया ये देगा ना वर्क डन? ऊपर का एरिया अप्लाइड फोर्स का वर्क देगा और ये नीचे एरिया फ्रिक्शन का वर्क देगा। ये फ्रिक्शन। हाँ सर समझा। करो जल्दी से, अभी तो क्लियर है ना बेटा? क्लियर। ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया ठीक है, और एक ए वाला एरिया ठीक है। चलो क्लियर कर लो इसको सब। अब इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 17 है कि नहीं भेजा मैंने? सर दो दो कौन से करें? वो एक में लिखा है एग्जाम्पल 17 वो करो। सर एक मिनट, इसके पिछले वाली स्लाइड दिखाई ना। नाइन बाय टू आते हैं उसके? सही है, 9/2 आएगा, 4.5। हो गया सर। ये सब बहुत सरल सरल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, बहुत सरल। हाँ सर। अब ध्यान रखो कि इसमें बहुत टफ टफ क्वेश्चन बनते हैं। सर बोलो, वो 16 क्वेश्चन का आंसर क्या था? वेल डन। फ्रिक्शन का -750 और मैन का 1312.5। हाँ हाँ, 1312.5 बराबर। इसका आएगा 1312.5 जूल और इसका आएगा -750। हो गया सर? नहीं सर रुको ना, रुको ना। कभी कभी क्या होता है, आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, है ना, अगर स्पीड निकाल ली तो, और फिर वर्क निकाल सकते हो। वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को याद रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। सर 4.5 जूल चाहता है। सही है। इसके बाद 17-18 देखो, उसमें एग्जांपल नहीं लिखा, 17-18 वो करो। सर 17 वाले का 4.5 जूल है क्या? हाँ बेटा हाँ। 6-2 आते हैं उनका। हाँ सर 6 आते। सर मेरा 6 आ रहा है।
चेयर अठारह का छह अठारह का दो ये सब हाँ का हाँ सत्रह का कितना आ रहा है सत्रह अठारह का छह सत्रह का और अठारह का दो ठीक है छह और दो आएगा ओके हो गया सत्रह अठारह दूसरा सत्रह करने क्या मतलब वो और एक है वो एग्जाम्पल सत्रह हो गया हाँ हो गया उसके बाद एक साथ है दो सत्रह अठारह नहीं एग्जाम्पल सत्रह बाकी है जो एक साथ है वो वाली हो गए हाँ तो वो सब करने दोनों करने फिर इसके बाद देखो उन्नीस बीस वो भी हो गए उन्नीस का माइनस वन और उसका टू एम बी एक्स टू एम बी स्क्वायर एक्स एक्स का टू एम बी स्क्वायर आएगा ना टू एम बी स्क्वायर सही है हाँ और ऊपर वाले का माइनस वन माइनस वन हाँ सर यही आ रहा है ठीक है हिंट दी गई है उसमें देखो हिंटने से वो सॉल्यूशन ही हाँ सॉल्यूशन ही हो गया वो हाँ सॉल्यूशन ही हो गया अभी चलो ठीक है सर सेवेंटीन का क्या आंसर है चलो भाई ठीक है अब आगे बढ़ रहे एक मिनट सर सर वो 17 का आंसर 4 है क्या एग्जाम जो अकेला है वो n by 2 है उसका 4.5 नहीं नहीं वो 17 का नहीं वो अलग पूछ 6 एग्जांपल 17 उसका है 4.5 सर वो अकेले वाले का पूछ रहे हैं 6 है ना तो नहीं, अकेले नहीं, वाले नहीं, का 17 का है 6 सर मेरा चार है वो अठारह का क्या आ रहा है सर एग्जांपल 17 हाँ सर मेरा चार आ रहा है उसमें 4.5 है एग्जांपल 17 का जो अकेला है तो देखो तुम एग्जांपल 17 हम बता दे रहे क्या बोल रहा है बराबर हाफ टी स्क्वायर डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी निकालो टी टी आ गया हाँ टी आ गया सुनो ध्यान से टी बराबर 0 पे बोलो हाँ सर समझा 0 की जगह 1 लीजिए टी इक्वल टू 0 बराबर फिर 1 पे ए 3 पे बी बराबर 3 तो डब्ल्यू पूछ रहा है 0 से लेके 3 सेकंड तक का क्या होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल तो हाफ एम ये बी 1 और ये बी 2 तो हाफ एम बी 2 स्क्वायर माइनस हाफ एम बस भैया इसमें वैल्यू डाल दो कर सकते थे ना एक्सेलरेशन 1 आ जाएगा और मास भी 1 है तो फोर्स भी 1 आ जाएगा जो डिस्प्लेसमेंट है वही वर्क डन हो एक ही चीज है कर सकते हो इसको और डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना 1 आ गया मतलब फोर्स आ गया कांस्टेंट
वन ही आ जाएगा, वन ही आ जाएगा, सीधा वन, तो डब्लू पूछ रहा है और कांस्टेंट फोर्स है तो सीधा एफ इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा, एफ कितना है वन, एक्स कितना है, तीन सेकंड में एक्स, अरे तीन सेकंड में एक्स निकालो इसमें डालो, नाइन बाय टू, नाइन बाय टू कॉस जीरो, नाइन बाय टू ये आ गया ना, बोलो यस सर, और भेजो सर वो 17 18 साथ में वो 18 का क्या आ रहा है, टू ओके दो सर, 20 का 2 एम बी स्क्वायर है क्या, हाँ सॉल्व कर देता हूँ 18 19 भी सॉल्व कर दो सर, 19 का कौन है सर, 19 हाँ सर, देखो 19th क्वेश्चन देखिए आप सब लोग, कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज स्पीड, देखो बेटा कितनी है v इनिशियल, बोलो 1 मीटर, आगे देखो एंटर्स अ रफ पैच ranging from, देखो कहां से कहां तक है, x बराबर 0.52 x बराबर 1.5 इतने मीटर तक रफ है, समझ गए क्या है रफ, मतलब फ्रिक्शन लगेगा, द बॉडी कम्स टू रेस्ट आफ्टर पासिंग द पैच, देन द फाइंड द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द बॉडी, क्या बोल रहे हो, यहां से चलता है इतनी डिस्टेंस कवर करता है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो रुक जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो जीरो, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन, अब जे बताओ तुम रफ सरफेस पे एक बॉडी चली जा रही तो उसपे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक ही फोर्स लगेगा फ्रिक्शन काइनेटिक वाला, तो ये इनिशियल वेलोसिटी यू थी और फाइनली वो रुक गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक मीटर, वन मीटर, देखो ना यहाँ मीटर, तो क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, बोलो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो कौन से फोर्स है, क्या यहाँ सुनो पहले, क्या एमजी और नॉर्मल वर्क करेंगे, नहीं नहीं, नहीं करेंगे नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ है तो इसका वर्क जीरो होगा, 90 डिग्री है और इसका भी वर्क जीरो होगा, समझे एमजी का, तो डब्ल्यू फ्रिक्शन सिर्फ अकेला यही फोर्स है बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो डब्ल्यू फ्रिक्शन बराबर के फाइनल, बोलो माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, ये तो जीरो है, हाफ एम है 2 × 1 तो कितना आ गया माइनस वन, बोला ना, हाँ सर, देखा फ्रिक्शन का वर्क डन कैसा आया, नेगेटिव आया कि नहीं आया, हाँ आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए सर, आना चाहिए, चलो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स अलग नेगेटिव वर्क, अगला देखो 20 क्वेश्चन सर, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे ना कि थर्ड इक्वेशन लगा के एक्सेलरेशन डिसेलरेशन निकाल देते और डायरेक्टली हाफ एम, बिल्कुल करके देख लो वही आएगा, यही आएगा, हो गया मास इनटू सॉरी डिस्प्लेसमेंट इनटू ये कर देते फोर्स, बहुत बढ़िया बिल्कुल करेक्ट, सब लोग समझे जो उसने बताया, यस सर, हां सर, तो रिटार्डेशन निकाल लो थर्ड इक्वेशन से और फिर फ्रिक्शन आ जाएगा उससे, ट्वेंटी करो आप सब लोग ध्यान से, तो हो जाएगा 20, बताओ भाई सर, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ रहे, 20 वाला सॉल्व करके भेज दो ग्रुप में सर, थोड़ा टाइम लो ना, रुको ना,
हाँ तुम टाइम लो आराम से सॉल्व करो। अब हम क्वेश्चन देंगे आपको खतरनाक वाले। ये भी मस्त क्वेश्चन, मजा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इजी थे, कितने फास्ट हो गए? नहीं नहीं इजी थे लेकिन जरूरी थे, है ना, क्योंकि हम थोड़ा सा सर वो 19th वाला नहीं हुआ। कौन सा? बाकी सारे हो गए थे, 19th वाला नहीं हुआ था। मैंने बता तो दिया अभी। हाँ ट्वेंटी का आंसर के पता नहीं हो गया सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सर आपने ग्रुप पे कौन सा भेजने बोला? अभी मैंने भेजा नहीं है, मैं भेजूं? नहीं आपने बोला ना। सर 20 के बाद कौन सा करना है? अब मैं बताऊंगा, पहले 20 तक हो गए सबके? हाँ सर कर लिए सर। तो भाई क्वेश्चन है, हेलो। हाँ बेटा एक सेकंड। सर 20 ग्रुप में भेजना था क्या? हाँ मैंने ग्रुप में आपको एक क्वेश्चन भेजा है, इसको करो सॉल्व। सर आप नासिक में हो तो क्वेश्चन जल्दी आए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 31 भेजा है मैंने, 31। हाँ वैसे वाकड़े स्लोप पे जा रहे हैं। क्या कह रहे हो? वो ऐसा इररेगुलर स्लोप पे जा रहे हैं। हाँ सर वो लास्ट क्वेश्चन जो 20 था उसका 2 MB स्क्वायर था, पता नहीं उसका आंसर नहीं पता। हाँ 31 भेजा मैंने, वो वाला करो है। म्यूजीएल प्लस एमजी चाहता है क्या? म्यूजीएल प्लस एमजीएच सर, न्यू एमजीएल आएगा ना? सही है सर, प्लस एमजीएच सही है। चलो अब देखो मैं करके दिखा रहा हूं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना इसको ध्यान से।
देखो उसने बोला है कि यहाँ पे एक सरफेस है ये ऐसा, और यहां से एक कर्व है एक, ऐसा कुछ कर्व है, ठीक है, ये कर्व दिया है। तो ये हाइट है h, ये पूरी लेंथ है l, और यहां से क्या कह रहा है पता है, यहां से एक बॉल है कोई पार्टिकल है, उसको एक फोर्स लगा के ले जाता है। देखो फोर्स कैसे लगाता है, फोर्स हमेशा पाथ पे कैसा लगता है, टेंजेंशियल। और ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है कि नहीं है, है सर। तो ये से लेके बी तक, मतलब समझ गए होंगे, एक ऐसा समझ लो, एक रस्सी से बांध के ऐसे ऐसे घसीट के ले जा रहे हैं, ऐसे 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 ऐ यहां तक, ठीक है, स्लोली। देखो नेग्लिजिबल स्पीड मतलब वी भी जीरो यू भी जीरो, मतलब बहुत धीरे 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 ले जा रहे, समझ गए ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी ऑलमोस्ट हमेशा क्या रहती है, टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, क्लियर है। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा पूरे यहां से लेके ए से लेके बी तक, जीरो 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 है, इनिशियल फाइनल भी जीरो। मतलब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जीरो जीरो। हाँ तो देखना ध्यान से, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, यहां पे किसका वर्क है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस प्लस वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ प्लस वर्क डन बाय एमजी, सही है। हाँ। और कोई फोर्स है क्या, देख लो, नहीं नहीं, सबका वर्क का सम बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोलो कोई दिक्कत, नहीं सर। चलो तो आप डब्ल्यू फ्रिक्शन देखो बेटा, ध्यान से सुनना, सबसे पहले वर्क डन बाय फ्रिक्शन मुझे पता है, ये बताओ फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू नॉर्मल लिख सकता हूं कि नहीं, हाँ, क्योंकि ये स्लिप कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है? यस लगेगा। और काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन का तो फॉर्मूला होता है, सही है। अब थोड़ी सी बात ध्यान दो, मैं मानता हूं क्या, देखना मैंने माना कि जब मैंने पार्टिकल को देखो यहां से ये डिस्प्लेस किया, देखो कितना डिस्प्लेस किया मैंने, थोड़ा सा कैसा, अच्छा ये जो नॉर्मल है ये वेरिएबल है कि नहीं है, इस पे देखा, वो वेरिएबल ही तो होगा यार, देखो शेप ही बदल रहा है पूरा पाथ का, है? Yes, sir. लेकिन एक बात बताओ, नॉर्मल का वर्क हमेशा जीरो रहेगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ, sir. क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल हमेशा सरफेस के टेंजेंशियल जो है उसका परपेंडिकुलर लगता है ना, हाँ. नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर और डिस्प्लेसमेंट होगा टेंजेंशियल, तो फिर हमेशा थीटा क्या बनता रहेगा, 90 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान दो, मैं बात करता हूं जब मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इसको, कितना dx, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ds, डिस्प्लेस किया, तो देखो बेटा ये ds जो है इसके दो कंपोनेंट्स बना सकते हो आप, एक तो ये dx और एक ये dy dx, देखो ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा क्या dy, और ये थीटा, बोलो और ये सही है ना,
दिख तो रहा है हाँ। और dy का रिजल्टेंट ds है और ये एंगल कितना है थीटा थीटा क्लियर है चलो w फ्रिक्शन बोलो बेटा क्या लिखे न्यू एन अच्छा सुनना ध्यान से ये टोटल वर्क है क्या है ये टोटल वर्क टोटल वर्क है तो W फ्रिक्शन का जो वर्क होगा स्मॉल वर्क लिखना पड़ेगा पहले मुझे क्योंकि फ्रिक्शन वेरिएबल है यहाँ पे तो मैं लिखूंगा म्यू इनटू बोलो नॉर्मल म्यू इनटू नॉर्मल और इनटू डीएस आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट देखो ये डीएस है टेंजेंशियल और फ्रिक्शन कहाँ लगता है फ्रिक्शन कहाँ लगता है टेंजेंशियल के उल्टे ही तो लगता है डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है तो फ्रिक्शन टेंजेंशियल ही तो लगेगा ऐसा उल्टा बोलो ना तो ये नेगेटिव आएगा वर्क कॉस 180 बनेगा इनके बीच का देखो ये फ्रिक्शन और ये डिस्प्लेसमेंट इसके बीच का एंगल 180 लो मैं 180 लिख देता हूं समझो आराम से इसको क्या लिखोगे यहाँ पे कॉस 180 और इसमें क्या लगाओगे बताओ क्या लगाओगे इसमें इंटीग्रेशन लगाना ही पड़ेगा यार है ना सर चलो भाई ठीक है तो ये हो गया अब प्लस डब्लू नॉर्मल कितना आएगा जीरो जीरो प्लस डब्लू कैपिटल एफ ये मुझे नहीं पता इसको मैं ऐसे ही लिख देता प्लस डब्लू एम जी माइनस एम जी नहीं नहीं ये आएगा छोटा सा वर्क लिख के इंटीग्रेट करोगे हाँ तो वो पूरा लिखोगे उसको या देखो ऐसे करोगे जब मैं यहां से यहां तक जाता हूं तो ये डी वाई वो होता है क्या होता है डी वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है कहा ऊपर की तरफ होता है कि नीचे की तरफ ऊपर ऊपर तो देखना ध्यान से इंटीग्रेशन मैं लिख रहा हूं फोर्स इनटू डी वाई और इनटू कॉस 180 बराबर जीरो कोई दिक्कत नहीं अब आप देखो इसमें इस ट्राइंगल में कॉस थीटा लगाओ इसमें लगाओ यहाँ पे cos थीटा बराबर dx by ds cos थीटा बराबर होगा dx upon ds तो ds की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ dx by cos theta ठीक है अब थोड़ा ध्यान दो तो यहाँ पे ये जो क्या है ये ds ds है आप सब लोग दिमाग लगाओगे थोड़ा सा समझ में आ रही बात कि नहीं क्या लगाओगे दिमाग लगाओगे तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या बोलूंगा ये वाली वैल्यू क्या आएगी बताओ कौन सी सर ये माइनस आएगी माइनस तो आएगी पहले ये बताओ नॉर्मल को मैं क्या करूं एमजी कॉस थीटा डाल दो नॉर्मल हमेशा बैलेंस रहेगा एमजी कॉस थीटा से नॉर्मल बराबर एमजी कॉस थीटा यहां डालो ना तो इंटीग्रेशन बोलो म्यू नॉर्मल की जगह पे एमजी कॉस थीटा डीएस की जगह पे dx by cos theta नहीं आई बात समझ में समझा cos theta cos 180 है माइनस चलो प्लस w कैपिटल f कैपिटल और इसी क्या बेटा माइनस mg और इसमें देखो माइनस बाहर माइनस mg बाहर करो इंटीग्रेशन क्या बचेगा dy बराबर में क्या जीरो जीरो w f निकालना था मुझे तो डब्लू एफ बराबर सबको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा एम जी इंटू इंटीग्रेशन डी वाई प्लस बोलो माइनस म्यू एम जी
cos थीटा cos थीटा प्लस आएगा ना प्लस आएगा प्लस म्यू एम जी इंटीग्रेशन डीएक्स 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 खत्म हो गया। देखो ये है एम जी इंटू इंटीग्रेशन डी वाई। देखो ये डी वाई का इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा एच आ जाएगा कि नहीं। एम जी एच और प्लस ये डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से यहां तक पूरा एल आएगा कि नहीं। एल आएगा म्यू एम जी एल। आंसर सर तो हम कितने भी कर्व सरफेस से रफ सरफेस पे अगर किसी भी पार्टिकल को लिखे जाए तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो नो म्यू जी इनटू वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वही होगा ना। अब देखो यही तो टेक्निक है बस। समझ में आया कि नहीं? डायरेक्ट वही लगा लेंगे। डायरेक्ट ये ध्यान रखना है। अब ये अच्छे क्वेश्चंस होगा बोलो हर बार इतना करने से। चलो अभी पार्थ क्या बोला वो वापस बताइए ना यार। तुम्हें तुम नहीं सुन नहीं पाते समझ में। देखो डब्लू फ्रैक्शन है ये। हाँ ये क्या लिखा तुमने? ये निकाला फिर ये रखा तो ये आया फिर yes. क्या आया फाइनली क्या आया? डब्लू फ्रैक्शन ये आया ना। हाँ न्यू एमजीएल ये याद रखना है वो कह रहा है। ओके हाँ वर्क होगा अगर पार्टिकल टेंजेंशियली जा रहा है तो फ्रैक्शन का जो वर्क होता है पार्टिकल टेंजेंशियली ही जाएगा और कहीं तो जा नहीं सकता। हवा में थोड़ी ऐसे ऐसे हो सकते हुए जाएगा क्यों भाई? हाँ हाँ तो फ्रिक्शन का वर्क हमेशा सीधा म्यू एम जी इंटू ये सीधी हॉरिजॉन्टल लेंथ ये होता है। समझ गए? समझ गए? और एम जी का वर्क क्या होता है? सीधा एम जी इंटू ये हाइट पूरी। अभी चाहिए यार एम जी कहाँ है? ये होता है एम जी तो इसी की डायरेक्शन का यहां से लेके यहां तक इसी की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो लोगे ये वाला। बस है क्या डिस्प्लेसमेंट ऊपर एम जी नीचे तो क्या करोगे? माइनस में आएगा वर्क। नोट करो पूरा जल्दी से इसको क्लियरली आराम से अच्छे से। जल्दी लिखो बेटा। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 30 yes. ये समझ में आया सबको? यस सर।
एक बार इसी क्वेश्चन को तुम लोग अपने मन से कर लो, करो अभी इसको पहले एक बार, ये 31 था ये, इसी को पहले एक बार करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ना। सर आपने क्या बोला अभी, डिसाइड हो गया, ये कह रहा है इसी क्वेश्चन को फिर से करो एक बार, तुम अपने मन से करो। सभी लोग करेंगे,